जनपद चाहता है, परिवार चाहता है कि ऐसे हत्यारों को फांसी दी जाए। अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है तो धाकड़ समाज बहुत बड़ी संख्या में जिले में निवास करता है, उग्र आंदोलन करेगा। गांव बोरकेड़ी कला के नाले में 23 अगस्त को एक व्यक्ति की हाथ बंदी लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बाहर निकाला था, जिसकी पहचान निमच सिटी के खेड़ी मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय महेश धाकड़ के रूप में हुई थी। जिसके बाद निमच सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया था, जिसमें सामने आया था कि 75,000 के लेनदेन को लेकर महेश धाकड़ की हत्या गिरधारीलाल पिता मोतीलाल गुवाला निवासी इंद्रानगर और बेरूसी पिता मोड़ीराम जाटव निवासी बरुखेड़ा ने की। वहीं आज धाकड़ समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को फांसी दिलाना और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग की। वहीं साथ में समाज के लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया, अगर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे।